रिया शर्मा। रिया शर्मा की अगर हम बात करें तो ये रिश्ते हैं प्यार के शो से मिस्ट्री के कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा फेमस रही हैं। जी हाँ, इस शो में यहाँ पर उनका मिस्ट्री का कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रहा है। और यहाँ पर वो नज़र आई थी शहीर शेख के अपोजिट। जी हाँ, अबीर और मिस्ट्री की ये जो जोड़ी रही है बहुत ज़्यादा फेमस रही है। आपको बता दें ये शो काफ़ी लंबे टाइम तक ऑन एयर रहा, जिस बीच इसने बहुत अच्छी TRP गेन की। और यहाँ पर इस अगर हम जोड़ी की बात करें, इसकी केमिस्ट्री की बात करें, तो फिर कहना ही क्या है भाई, सुपर डुपर हिट केमिस्ट्री गई थी। लॉकडाउन होने की वजह से शो की TRP में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, लेकिन बावजूद इसके जब ये लॉकडाउन के बाद स्टार्ट हुआ था ये शो, तो काफ़ी पॉपुलर रहा। उस टाइम पर भी TRP काफ़ी हाईएस्ट आ रही थी इसकी, लेकिन कुछ ना कुछ रीजंस रहते हैं एक शो के ऑफर जाने के पीछे, जिस वजह से ये शो ऑफर चला गया। लेकिन यहाँ बात करने वाले हैं रिया शर्मा के नए प्रोजेक्ट के बारे में। जी हाँ, रिया शर्मा एक बार फिर से नज़र आने वाली हैं एक नए प्रोजेक्ट के जरिए, एक नए रंग रूप में, एक नए लुक में। जिस तरीके से वो नज़र आने वाली हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा फैंस के लिए, काफ़ी सरप्राइजिंग रहेगा। फिलहाल के लिए आपको बता दें ऐसी खबरें निकलकर सामने आने लगी हैं जहां पर रिया शर्मा को लेकर काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी बनी हुई है, वो सुर्खियों में बनी हुई हैं। इसका मतलब साफ है कि वो किसी न किसी न्यू प्रोजेक्ट में बहुत जल्द नज़र आने वाली हैं। अब वो प्रोजेक्ट कैसा होने वाला है, इस बात को लेकर कुछ भी अभी क्लियर नहीं है। उनके अपोजिट आखिर कौन नज़र आएगा, क्या एक बार फिर से शहर शेख के अपोजिट नज़र आने वाली हैं? पर जैसा आप जानते होंगे अलबेला शो में शहर शेख नज़र आ रहे हैं, तो वो कोई डेली शो साइन कर पाएँ ऐसा तो मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, म्यूज़िक एल्बम के जरिए जोड़ी ज़रूर से नज़र आ सकती है। तो जो भी होगा, देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि उनके अपोजिट आखिर कौन नज़र आएगा। रिया शर्मा की अगर हम बात करें तो काफ़ी लंबे टाइम से उन्होंने TV इंडस्ट्री से ब्रेक ले रखा है, ऐसे में फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं और उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा दिन पर दिन हाई होती जा रही है। लोग उन्हें देखना चाहते हैं। क्यों आखिर उन्होंने TV इंडस्ट्री से ब्रेक ले रखा है? क्योंकि अभी तक उनको कोई ऐसी स्क्रिप्ट नहीं मिली है जिसको वो करना चाहें। जी हाँ, ऐसा कोई रोल ऑफर नहीं हुआ, शायद यही वजह रही है कि अभी तक वो नजर नहीं आई हैं। फाइनली अब ऐसी खबर आ रही है कि रिया शर्मा नजर आने वाली हैं, तो डेफिनेटली उनकी मन की स्क्रिप्ट उन्हें मिल चुकी है। सो कितना एक्साइटेड हैं आप उनके न्यू प्रोजेक्ट के लिए, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।